तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित धर्म है और एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताता है। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे मूल आराध्य और हमारा महामंत्र। जैन धर्म में मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकर और 5 परमेष्ठी हैं। हम लोग पंच परमेष्ठी को जानते हैं। हमारा जो मूल मंत्र है महामंत्र नमो का, वो इन्हीं पंच परमेष्ठी की आराधना का मंत्र है। अणमुकार महामंत्र हम आप सब जपते हैं। हम लोगों के जन्म के समय में ही हमें नमोकार सुनाया जाता है, लेकिन नमोकार मंत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कितना जानते हैं हम लोग नमोकार के बारे में, बोलो। पहले तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, नमोकार के विषय में अगर तुमसे कोई पूछे, एक जनरली एक आइडिया लेने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई कहे कि भैया तुम अपने नमोकार मंत्र के बारे में बताओ, ये क्या है, क्या बोलोगे? और बहुत बहुत अच्छा है, काफी कुछ आप लोगों को जानकारी है। बहुत अच्छा। आज मैं कुछ चीजें आपको इस महामंत्र के बारे में अब सुनिए। पॉइंट वाइज नमोकार मंत्र को समझिए। ये इसमें कोई संशय नहीं कि ये महामंत्र है, इसका अमोघ असर होता है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी शुरुआत नमन से हुई है। नमो नमस्कार हो किसको? अरिहंतों को। नमो सिद्धानम नमस्कार हो सिद्धों को। नमो आयरियानम नमस्कार हो आचार्यों को। नमो उवाध्यायानम नमस्कार हो उपाध्यायों को। और नमो लोये सभ्य साहूनम लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये नमस्कार मंत्र भी इसको बोलते हैं। नमोकार मंत्र तो है, नमोकार का मतलब ही है नमस्कार। अधिकतर जितने भी मंत्र होते हैं उसमें नमः शब्द का प्रयोग अंत में होता है या पहले किसी विजाक्षर को जोड़ देने के बाद होता है। ये नमोकार है। सबसे पहले नमोकार और मंत्र, नमस्कार है इसमें और साथ में ये मंत्र है। मंत्र किसको बोलते हैं? मननात मंत्र है। जो मनन किया जाए उसका नाम मंत्र है। मन्यते त्रायते आत्मदेशो येन स मंत्र, जिससे हमारे आत्मा की रक्षा हो उसका नाम मंत्र है। ये मंत्र के डेरिवेशन, समझ गए? जो मनन किया जाए अथवा जो हमारी आत्मा की रक्षा करे उसका नाम मंत्र है। भारत में मंत्रों का चलन बहुत है, विश्व के अन्य देशों में भी मंत्रों का चलन है। उन सब मंत्रों में रमोकार महामंत्र महामंत्र है। क्यों? इस महामंत्र की 5 मौलिक विशेषताएं, वो विशेषता जो अन्य किसी मंत्र में नहीं पाई जाती।
नंबर वन, इस मंत्र में कोई भी बीजाक्षर नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ब्लूम, ये सब क्या है? बीजाक्षर। इसमें एक भी बीजाक्षर नहीं। नंबर दो, इसमें किसी देवता या व्यक्ति को नमन नहीं किया। समझ गए? हम बोलेंगे महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः, ये क्या है? कोई देवता है। तो इसमें पहली बात कोई बीजाक्षर नहीं, दूसरी बात कोई देवता नहीं, तीसरी बात इसका कोई आनुपूर्वी नहीं। अनुपूर्वी यानी इसकी कोई सीक्वेंस नहीं। लमोकार मंत्र को आप उल्टा सीधा चाहे जैसे पढ़ लो, अनुपूर्वी यानी सीक्वेंस क्रम। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सबसावनम पढ़ो, नमो लोए सबसावनम से नमो अरिहंतानम पढ़ो, नमो अरिहंतानम नमो आर्यानम नमो सिद्धानम नमो लोए सबसावनम नमो वज्रायनम पढ़ो। एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार तीन दो एक, एक तीन दो चार पाँच, चाहे जैसे कर लो। ये ऐसा महामंत्र है। समझ गए? दुनिया के किसी मंत्र को उल्टा पढ़ोगे तो उल्टा चक्कर पड़ जाए, लेकिन नमोकार मंत्र को कुछ भी करो, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, तुम्हारा काम सीधा होगा। समझ गए? तो कितनी विशेषता बताई? पहली, कोई बीजाक्षर नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी विशेषता, ये संपूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, इसका एक पद भी मंत्र है। क्या है? नमो अरिहंतालम से नमो लोए सबसावनम पढ़ो तो भी मंत्र, केवल नमो अरिहंतालम बोल दो तो भी मंत्र, नमो सिद्धानम बोल दो तो भी मंत्र, नमो आयरियानम बोल दो तो भी मंत्र, नमो वज्रायनम बोल दो तो भी मंत्र, और नमो लोए सब सावनम बोल दो तो भी मंत्र। और आगे जाओ, अरिहंतानम की जगह अरिहंत बोलो तो भी मंत्र, शुद्ध बोलो तो भी मंत्र, आचार्य बोलो तो भी मंत्र, उपाध्याय बोलो तो भी मंत्र, और साधु बोलो तो भी मंत्र। और चलो तो इतना नहीं, एक एक का एक एक अक्षर ले लो, अरिहंत का सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु का सा, असी या उषा, असिया उषा, पांच अक्षर, ये भी मंत्र। और ये छोड़ो, इस मंत्र का एक अक्षर भी बोल दो तो मंत्र, अ सी आ उ सा, कोई भी बोल दो, ये मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र में ये बात नहीं मिलेगी, ये मौलिक विशेषता है। और नंबर पांच जो सबसे महत्वपूर्ण, ये एक ऐसा मंत्र है जो केवल सांतिक और पौष्टिक कर्म में प्रयुक्त होता है। इस मंत्र से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। समझ गए? कोई दुष्प्रयोग करे तुम्हारी रक्षा करेगा, पर यह मंत्र से तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये मंत्र केवल सांतिक और पौष्टिक कर्मों में प्रयुक्त होता है। समझ गए? इसमें कभी भी किसी के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? दूसरा, आप पर कोई दुष्प्रयोग करे आपकी रक्षा करेगा, पर आप सोचो कि इस मंत्र को पढ़कर आप किसी का बुरा कर दो। समझ में आया? तो ये जो पांच विशेषताएं मैंने बताई, इसको गहराई से समझो। इस मंत्र का प्रभाव है, भारत की संस्कृति में मंत्र का बहुत प्रभाव होता है। मणि मंत्र, औषधि नाम,
अचिंत्य प्रभाव दृश्यते। मनी मंत्र औषधि आदि का अचिंत्य प्रभाव होता है। क्यों? जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की तरंगे हमारे भीतर की रसायनों को परिवर्तित कर देती और उस रसायन के परिवर्तन से हमारे कर्मों में परिवर्तन होता है और कर्म का परिवर्तन हमारे जीवन में परिवर्तन ले आता है। मंत्र वातावरण को भी परिवर्तित करते हैं। तो ये मंत्र का अपना प्रभाव है। अभी मैं आपको केवल फोकस कर रहा हूँ नमोकार मंत्र के विषय में, इसके जाप करने की विधि, इसका हम प्रयोग कैसे करें, ये सब बाद में बताऊंगा। तो ये इसकी कितनी मौलिक विशेषताएं बताई मैंने, कौन कौन से? नंबर वन, बीजाक्षर नहीं। नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच, ये केवल सांतिक और पौष्टिक कर्म में प्रयुक्त होता है। ये पांच विशेषताओं से युक्त मंत्र है जिसमें जैन धर्म के मूल आराध्य पंच परमेष्टि को नमन किया है। ये मंत्र अनादि मंत्र माना जाता है। अनादि मंत्र, कोई मंत्र अनादि से कैसे हो? यद्यपि वर्तमान में जो नमोकार मंत्र हम लोग बोलते हैं, इस पाठ को लिपिबद्ध आचार्य पुष्पदंत भूतभली ने भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्षों बाद षटखंडागम के मंगलाचरण में किया, समझ गए? लेकिन चूंकि जैन धर्म अनादि से है, पंच परमेष्टि अनादि से है, तो पंच परमेष्टि की नमन की प्रक्रिया भी अनादि से है, इसलिए इस मंत्र को अनादि कहा जाता है, समझ गए? इस मंत्र में कुल 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। 35 अक्षर और 58 मात्रा। 35 अक्षर देखो, णमो आरी हंता णम, कितने हुए? 7। णमो आरी हंता णम, कितने हुए? 7। अब इसमें मात्रा कितने हुए? ण में ण का 1, मो का 2, दो और 1 3, अ 4, री 5, हम है ना, इसमें 2 मात्रा हो गए, 5 और 2 7, और ता की 2 मात्रा 9, और णम इसमें 2, 9 और 2 11 मात्रा। फिर नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम में कितनी मात्रा होगी? ण में 1, मो में 2, 1 और 2 3, सिद्धानम सी दीर्घ हो गया तो 3 और 2 5, और धा इसमें 2 7, और णम इसमें 9, तो कितने हो गए? 9। पहले में कितने हुए थे? 11 और 9 20। अणमो आयरियानम इसमें कितने हुए? नमो के 3, आ के 4, आ का 2, ई का 1, दो और 1 3, री का 1 4, या का 2 6, और नम का 2 8। 8 और 3 कितने हो गए? 11। फिर उसके बाद नमो वज्झायानम, नमो का 3, वज्झायानम ऊ का 1, वज्झ का 2, झा का 2, तो ऊ का 1, वज का 2, 1 और 2 3, और झा का 2, 3 और 2 5, और या का 2, 5 और 2 7, और णम का 2, 7 और 2 9, और 3 12। फिर नमो लोये सब शाहूनम, नमो लोये सब शाहूनम में कितना हुआ? नमो का 3, लोये का, लो का 2, ए का 2, लो 2 और 2 4, और सब, सब में 2, सब का 2, व का 1 3, और साहुनम 2, उ का 2 4, और णम यानी 5, साहुनम का 5, सब का आपका 3, 5 3 8, और लोए का 4, 8 4 12, और णमो का 3, तो 15, 58 मात्रा हो गई। देखो क्रम से कितनी कितनी मात्राएं, पेन देना, 11
11, 9, 11, 12, 15 कितने हो गए? 58 मात्रा हो गए, ठीक है ना। तो ये 58 मात्रा है, 35 अक्षर। 35 अक्षर कैसे हुए? नमो अरिहंतानम में 7 अक्षर, 11 मात्रा। नमो सिद्धानम में 5 अक्षर और 9 मात्रा। नमो सिद्धानम, नमो 2, सिद्धानम सी धा और नम 5। नमो आयरियानम में 7 अक्षर, नमो वज्रायनम में 7 अक्षर और नमो लोए सबसाहुनम में 9 अक्षर हैं। इस प्रकार ये 35 अक्षर और 58 मात्रा से युक्त हमारा महामंत्र है। समझ में आया? अब इस मंत्र के बारे में एक बात और बताऊंगा जो तुम लोगों को कभी सुनने को नहीं मिली होगी। इस महामंत्र की अचिंत महिमा है। 108 बार अगर एकाग्रता पूर्वक तुमने नमोकार का जाप कर लिया तो सारे भगवान की वाणी जो द्वादशांग है ना, उस द्वादशांग के पाठ का पुण्य प्राप्त होता है। क्या? एक माला नमोकार की तुमने फेरी तो उस एक माला को फेरने का फल कितना? द्वादशांग का संपूर्ण पाठ करने का। समझ गए? इतना प्रभाव है नमोकार के एक अक्षर को पढ़ने से। 7 सागर के पाप कटते हैं, एक पद के जाप से 50 सागर के पाप कटते हैं, और एक बार नमोकार बोल दो तो 500 सागर के पाप कटते हैं। कितना हुआ? एक अक्षर में, एक पद में 50। जैसे नमो में आ बोलोगे तो 7 सागर और नमो अरिहंतानम बोलोगे तो 50 सागर और नमो लोए सब सावनम तक आ गए तो 500 सागर तक के पाप कटते हैं। महिमा को तो जानो। आज स्थिति यह है कि किसी से बोलो भैया नमोकार जपो, अरे महाराज वो तो जपते ही हैं, दूसरा कोई मंत्र बताओ। मंत्रों का राजा तुम्हारे पास है, श्रद्धा तो होनी चाहिए। देखो इस मंत्र के जप का क्या प्रभाव होता है, मैं 2-3 अनुभव बताऊंगा। पहले तो एक जो मैंने सुनी हुई बात है वो बताता हूँ, पढ़ी हुई बात भी है। आप लोगों ने बाबा सूरजमल जी का नाम सुना होगा। आचार्य धर्मसागर जी के संग में ज़्यादा रहते थे, ब्रह्मचारी थे, प्रतिष्ठाचार्य थे बाबा सूरजमल जी। 1997 में उनकी समाधि हुई, मृत्यु हुई। तो वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, सामने एक औघड़ बाबा आया, और औघड़ बाबा जितने होते हैं वो सब सनकी होते हैं, झक्की होते हैं, उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता। वो आते ही क्या किया कि सब पर रौब दिखाकर पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। बाबा जी से बोला कि तू भी उठ बच्चा, उठ नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। तो बाबा जी तो खुद प्रतिष्ठाचार थे, डरने वाले थे नहीं, उनने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने फिर से धौंस दिखाया, बाबा उठ नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। बोले भाई मैं क्यों उठूं, तुम्हें जो करना करो, मेरी सीट है, मेरा रिजर्वेशन, मैं अपनी जगह पर बैठा। इससे वो बाबा गुस्सा हो गया और वो अपना मंत्र प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उसके तेवर को देखा तो तुरंत सावधान हो गए और चुपचाप नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। नमोकार मंत्र जपना शुरू किए और इधर ये नमोकार जप रहे हैं वो पसीना पसीना हो रहा है। 2 घंटे तक वो पस्त हो गया, इधर कुछ नहीं, ये चुपचाप नमोकार जप रहे हैं। 2 घंटे बाद वो टॉयलेट गया,
काफी देर हो गई टॉयलेट से लौट कर नहीं आया। लोगों को आश्चर्य हुआ कहाँ गया। लोगों ने जाकर के जब देखा तो पता लगा वो टॉयलेट में ही ढेर हो गया, टॉयलेट में ही ढेर हो गया। हुआ क्या था, उसने उन पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था। और मारण मंत्र के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो व्यर्थ नहीं जाता, जिसको टारगेट बनाया जाता उस पर अटैक करता है, और रिवर्स हो गया तो जो उसको प्रयोग जो उसका प्रयोग करता है उस पर अटैक करता है, रिवर्स अटैक आता है। तो बाबा जी ने जब नमोकार जपा तो उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन गया। उस सुरक्षा कवच का प्रताप ये रहा कि वो रिवर्स हो गया, रिवर्स हुआ वो मर गया। ये नमोकार का प्रभाव। अब एक दो हम अपना अनुभव बताते हैं। 1996 में एक व्यक्ति मेरे पास आया, जुड़ा हुआ था, बहुत घबराया हुआ, माने बदहवासी हालत, चिंता से एकदम आतुर, कपड़े का कारोबारी था। इसने अपना काम बहुत तेजी से बढ़ाया, कारोबार पहले दुकान थी, बढ़िया शोरूम खोल लिया, और इसका धंधा बहुत तेजी से चल बैठा। और जो बगल में पड़ोसी दुकानदार था उसका दुकान धंधा नेचुरली डाउन होगा, और वो पुराना था। तो इसकी कुछ दिन से तबीयत बिगड़ने लगी और इसको ये खबर मिल गई कि उसने हम पर मूठ चलवा रखा है। मूठ मतलब एक प्रकार की मारण विद्या। वो घबरा करके मेरे पास आया, जब से ये सुन लिया तब से और डिप्रेशन में आ गया कि मैं मर न जाऊं, मुझे मार डालेगा तो मेरा क्या होगा, मुझ पर मूठ चला दिया, ये सब तुम लोग सुनते हुए होगे। मेरे पास जब उसने आकर के ये बात कहा तो मैंने कहा ये मूठ मूठ कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। पहले तो मैं उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, हमेशा ध्यान रखना जब तक व्यक्ति का मनोबल नहीं जगता तब तक कोई मंत्र काम नहीं करता। मंत्र काम तब करेगा जब तुम्हारा विश्वास हो, और विश्वास तब स्ट्रांग होगा जब तुम्हारा मनोबल हो। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो सबसे पहले मैं सामने वाले के मनोबल को जगाता हूँ, उससे उसका आत्मविश्वास जगता है, मंत्र के प्रति विश्वास और भरोसा होता है, तब प्रयोग करता है तो काम में आता है। तो मैंने उसको संबोधा और कहा ये सब कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगी, और तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र का निमित जाप करो। और मैंने उसे विधि बताई कि इस प्रकार से नमोकार को जपते हुए पूरे शरीर में हाथ फेरो, और ये समझो कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया। रक्षा मंत्र के साथ नमोकार की एक विधि है, वो मैंने उसे बताई और बोला तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और घर के चारों तरफ नमोकार मंत्र से मंत्रित कर लो, और घर से बाहर निकलो तो अपने शरीर को कर लो और तुमको कुछ नहीं होगा। उस आदमी ने वैसा ही अनुष्ठान करना शुरू किया। 1996 से आज 2017 है, आज तक सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन से उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया, नहीं तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका वेट 14 किलो रिड्यूस हो गया था। 14 किलो वेट घटने का मतलब समझ लो, और एकदम ऐसा जैसे शरीर में जान नहीं है। और दूसरे दिन से सुधार की शुरुआत हुई, और जब देखा कि आप शरीर में सुधार होने लगा, महाराज ने अच्छा उपाय बता दिया, तो उसका विश्वास भी जग गया। अब सामने वाला मूड चलाया हो या न चलाया हो, मन का भूत तो उतर गया, तो एक केवल शंका थी। पर अगर हो चलाया भी हो तो इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि सब ठीक हो जाए, उस पर श्रद्धा हो। मैंने नमोकार मंत्र का प्रयोग एक दूसरे तरीके से कराया, लिखने से। लिखने का जो नमोकार का प्रयोग है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जपने में मन भटकता है, लिखने में मन स्थिर होता है।
और इस नमोकार मंत्र के लेखन से फोर्थ स्टेज तक का कैंसर ठीक हुआ। अभी पिछले साल जब अजमेर में था, यूएस में कैलिफोर्निया में एक राखी बड़कुल का मैसेज आया था मेरे, उसको फोर्थ स्टेज का कैंसर था। चूंकि मैंने अपने प्रवचनों में और शंका समाधान में नमोकार मंत्र लिखने की बात कई बार की, तो उसने मैसेज भेजा, मेरा फोर्थ स्टेज का कैंसर नमोकार मंत्र के लेखन से पूरी तरह ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। अभी यहीं पर एक व्यक्ति आया था, एक लड़का था, उसने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। तो मैं इस बात का दावा नहीं करता कि तुम्हारा नमोकार मंत्र करने से ये सब ठीक होगा, लेकिन श्रद्धा सहित करोगे तो तुम्हारे अशुभ कर्म का निवारण हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे एक नहीं, जिनको खून नहीं बनता था उनको खून बनने लगा। तो मेडिकल एड लो, उसका मैं निषेध नहीं करता, लेकिन अगर मंत्र का प्रयोग करो तो ये करो, नमोकार मंत्र, तुम्हारे रुके काम आगे बढ़ेंगे। पर उसके लिए चाहिए श्रद्धा और उसके लिए चाहिए समयबद्धता। फिक्स टाइम पे सुबह 4 बजे से 5 बजे हाथ पांव धोकर नहा धोके शुद्ध वस्त्र पहनकर नमोकार मंत्र लिखो, 3 महीने में असर पड़ता। लोग डिप्रेशन में हो, अन्य प्रकार की कोई प्रॉब्लम और बीमारियां हो, नमोकार मंत्र का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे लिए परंपरा से जो मंत्र मिला उस मंत्र का तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा ये नमोकार मंत्र है, इसका अपना प्रभाव होता है। इसका मूलतः मंत्र का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए। मंत्र एक साधना का आधार है और मंत्र साधना करके हम अपनी अधोमुखी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। इससे हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, अनिच्छा में जा सकते हैं। मंत्र की वो साधना है, मंत्र के साथ ध्यान होता है, वो सब चीजें अलग है। मैं बेसिक जो बात आप लोगों को बता रहा हूं कि ये नमोकार मंत्र है और इस नमोकार मंत्र के द्वारा हमको प्रयोग करना चाहिए। लोक में मंत्र का जब विधान आता है तो आकर्षण मंत्र, फिर सम्मोहन मंत्र, फिर वशीकरण, फिर मोहन उच्चाटन और विद्वेषण मारण, शांतिक पौष्टिक, इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग होता है। आकर्षण किसी को आकृष्ट करना, आमंत्रित करने के लिए, फिर किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को वशीभूत करने के लिए, किसी के अंदर उच्चाट उत्पन्न करने के लिए, किसी के मध्य विद्वेष उत्पन्न करने के लिए, किसी को मारने के लिए, है ना। ये सब मंत्र के प्रयोग हैं, और शांति और पौष्टिक के लिए। नमोकार मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कहा कि सबके लिए लोक में अलग अलग मंत्र है और नमोकार मंत्र में ये सब बातें एक साथ है। आकर्षण भी है, सम्मोहन भी है, उच्चाटन भी है, विद्वेषण भी है और मारण भी है, और शांति और पौष्टिक कर्म में तो आता ही है। कैसे देखो, आकृष्टिम शुद्ध संपदाम विदधते मुक्ति श्रियो वश्यता।
मुच्चाटं विपदां चतुर्गति भुवां विद्वेषमात्मैनिशां स्तंभं दुर्गमनं प्रतीपयततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पंच नमस्क्रियाक्षरमयी शाराधना देवता। ये आकर्षित करता है किसको? सुर संपदा, स्वर्ग की संपदा। आकृष्टिम सुर संपदाम, स्वर्ग की संपदा को आकर्षित करता है। किसी जनता को आकर्षित करके क्या पाओ? मुक्ति श्रीओ वशता, मुक्ति रूपी श्री को वशीभूत कर लेता है, इसलिए वशीकरण है। आकृष्टिम सुर संपदाम विदते मुक्ति श्रीओ वशता। मुच्चाटम चतुर गति भुवाम, चारों गति के दुख को उच्चाटित कर देता है। विद्वेष मात मैनसाम, मन के पापों का विद्वेषण कर देता है। स्तंभम दुर्गमनम, दुर्गति दुर्गति को रोक देता है। और मोहस्य सम्मोहनम, मोह को ही सम्मोहित कर देता है। ऐसे अक्षरमयी ये नमोकार मंत्र हमारी रक्षा करे। समझ गए? नमोकार मंत्र के जाप की अनेक विधियां हैं, इनका ध्यान भी किया जाता है। ये पंच परमिष्टि है, इन पंच परमिष्टि के पांच रंग निर्धारित है। पांच रंगों के माध्यम से जब हम इनका ध्यान करते हैं तो इनका अपना प्रभाव होता है। वो है अरहंत भगवान के लिए सफेद, सिद्ध के लिए लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला और साधु के लिए काला। ये पंच परमिष्टि के पांच रंग है, सफेद, लाल, पीला, नीला और काला। हरा नहीं, हरा मूल रंग नहीं है। और ये जो पांच रंग है ना, ये पांच रंग मूल रंग है। इन पांच रंगों में ही संसार के सारे तत्व हैं, सब समाहित है। फिर से दोहरा रहा हूं, सफेद, लाल, पीला, नीला और काला, ये पांच रंग है। रंग का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, आज रंग चिकित्सा विकसित हुई है ना? तो रंग का अपने ऊपर बहुत असर होता है। जैसे लाल रंग है वो हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाता है, स्फूर्ति देता है, आरबीसी बढ़ती है। लाल रंग के नियमित जाप से हम स्फूर्ति पाएंगे, आरबीसी बढ़ेगी, हमारे स्वास्थ्य में सुधार होंगे। इसके अन्य भी प्रयोग है लाल, और आपके जाकर सफेद रंग से स्वास्थ्य बढ़ेगा। लाल रंग जो है स्फूर्ति देता है, हमारे आलस्य को दूर कर देगा। जब भी मन अलसाए, लाल रंग के ध्यान के साथ नमो सिद्धानम का स्मरण करो, तुम्हारा जो आलस्य है वो दूर हो जाएगा। तीसरा है पीला रंग। पीला रंग क्रोध को नियंत्रित करता है। जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है वो नमो आयरियानम के जाप के साथ, ध्यान के साथ पीले रंग का ध्यान करे तो अपने क्रोध पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर सकता है। नीला रंग जो होता है ये भी शामक रंग है, इससे भी क्रोध का नियंत्रण होता है और एक ज्ञान का प्रकाश मिलता है। नीले रंग के ध्यान के साथ यदि आप उपाध्याय परमिष्टि का चिंतन करो तो आपको उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा और परिणाम शांत होंगे, गुस्सा शांत होगा। और काला रंग जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। काला रंग अवशोषक होता है, किसी पर भी पोत दो काला सब पर पूत जाता है। इसी प्रकार सारे दुखों को सहने की शक्ति काला रंग देता है। तो ये नमो लोए शब शाहनम के लिए है। तो पंच परमिष्टि के चिंतन को हम इन पांच रंगों के ध्यान से भी कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जब हम आपको ध्यान के बारे में बताएंगे कि हम किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं और ध्यान का हम सब पर क्या लाभ मिल सकता है, तब आपके बीच इसकी चर्चा होगी।
तो कुल मिलाकर के नमोकार मंत्र के विषय में ऐसे तो बहुत है, मैं अगर रोज रोज बोलूं तो कई दिन बोल सकता हूं। जयपुर में जब नमोकार का जाप हुआ था तो 8 दिन केवल नमोकार पर ही प्रवचन चला था। लेकिन अभी आपके लिए सारभूत बात जितनी नमोकार के लिए जाननी आवश्यक है वो करो, और कम से कम एक माला तो नमोकार की रोज फेरो। उठते ही 9 बार फेरो, सोते समय 9 बार जपो, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 9 बार जपो और एक माला नियमित फेरो नमोकार की, श्रद्धा सहित एकाग्रता पूर्वक। अगर अभ्यास बनाकर नमोकार जपोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नमोकार के जाप की जो विधि है, एक तो उंगली से जाप करते हैं, एक माला से जाप करते हैं, एक मानस जाप होता है। उंगली से आप लोग कैसे जाप करते हैं? हाँ, ओम बन जाता है। देखो बीच में एक, मध्यमा की टॉप पे 2, फिर इसके तर्जनी के टॉप पर 3, उसके मिडिल में 4, फिर टॉपने के रूट पर 5, फिर मध्यमा के रूट पे 6, फिर ये अनामिका के रूट पे 7, फिर उसके मिडिल में 8 और टॉप पर 9, और इस प्रकार से ये ऐसा बन गया, ये 9 बार हो गया। तो ये उंगली जाप है। माला से जब जाप करते हैं हम, तो माला हमेशा ऐसे लेके जपनी चाहिए, नाभि से ऊपर माला होनी चाहिए, समझ गए? और इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनके साथ करना चाहिए, समझ गए? तो ये माला की मुद्रा है, समझ गए? ऐसे, हाँ, ये माला ऐसे इस उंगली का उपयोग करिए, तो ऐसे। और मोक्ष चाहिए तो बाहर की तरफ चाहिए, और संसार चाहिए तो भीतर की तरफ, समझ गए? मोक्ष चाहिए तो गुड़िया बाहर सरकाओ ऐसे, और संसार चाहिए अंदर के भीतर आ, समझ गए? ये इसकी प्रक्रिया है। सबसे उत्तम जाप होता है श्वास प्रश्वास पूर्वक किया गया जाप। श्वास प्रश्वास पूर्वक जाप कैसे करो? श्वास ले नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, पुनः श्वास ले नमो आयरियानम, फिर श्वास ले नमो वज्रायनम, फिर श्वास ले नमो लोए सब सामने। प्रयोग करो एक बार, सब लोग बैठो। श्वास लीजिए गहरी, धीमी धीमी गहरी श्वास, नमो अरिहंतानम, बोला नहीं है, देखिए जैसे एक गहरी सांस लेते हुए नमो अरिहंतानम, सांस छोड़ते हुए नमो सिद्धानम, पुनः सांस लेते हुए नमो आयरियानम, फिर सांस छोड़ते हुए नमो वज्रायनम, फिर सांस लेते हुए नमो लोए, और छोड़ते हुए सब साहूनम। इससे 2-4 बार प्रैक्टिस करो। श्वास पे नमोकार को बिठाओ। अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जब खाली होगे श्वास चलेगी, नमोकार चलेगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले 9 बार करो, फिर 18 बार करो, फिर 36 बार करो। श्वास पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखने पर यहाँ दर्द होता है कभी कभी, समझ गए? तो शुरुआत में हो, बाद में आप जब इसके अभ्यासी हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। तो श्वास लो नमो अरिहंतानम, श्वास लेते समय नमो अरिहंतानम किए तो ये सोचो कि सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर आ गई, समझ गए? मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब सावनम, तो ये पूरे तरह से शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इस तरीके से नमोकार का जाप आप करिए, अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छा लाभ होगा और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। एकाग्रता पूरी बढ़ती है, ठीक है? अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या हुआ, कॉर्डलेस लाया? 2 कॉर्डलेस दो। हाँ, देखो ऐसा है, उत्तम माला को जो बताया है वो स्वर्ण रत्न और काष्ठ,
तीन प्रकार की माला, कांच की माला, प्लास्टिक की माला, अच्छी माला नहीं मानी जाती, स्वर्ण की, रत्न की, काष्ठ की, सूत की, ये चार प्रकार की माला है। माला में अलग अलग अनुष्ठानों को देखते हुए अलग अलग मालाएं लेते हैं। सोना उत्तम धातु है तो सोना की माला को महत्व है, लेकिन ध्यान रखना माला का प्रभाव कम है, एकाग्रता का प्रभाव ज्यादा है। तुम उंगली से भी जाप दो और एकाग्रता से दो तो तुम ज्यादा पा जाओगे, और माला सोने की लो और सोना पर ध्यान रहे माला पर नहीं तो क्या काम। उत्तम से उत्तम रख सकते हैं, आपके पास साधन है तो कीजिए। और अलग अलग मणियों की माला का भी अलग अलग कर्म में, अनुष्ठान में अलग अलग प्रभाव होता है, तो जहाँ जो जिसका अनुष्ठान हो उसके अनुरूप किया जाता है, करना चाहिए। ठीक है, आपका पूछना है कि नमोकार मंत्र लिखे तो उसको रखे कहाँ? घर में जिनवानी रखते हो वैसे रखो, तो नमोकार मंत्र लिखिए तो कैसे लिखिए? साधारण कापी पे मत लिखिए, स्पेशल कापी लाइए, जो बही वाली रजिस्टर होती ना बड़ी, उसका फुल स्केप का पेज होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, अच्छे अक्षरों में लिखिए, एक लाइन में एक मंत्र हो जाएगा। और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, एक लाइन में एक पेज पूरा होगा, आपको भरने में लग जाएगा 300 पेज को साथ, तो 5-10 साल अगर लिखो तो 10-5 वॉल्यूम घर में रखो, यंत्र की तरह काम में आएगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब ऐसे ऐसी कॉपियां भर लोगे, ऐसे ऐसे करोगे, 4 दिन में भर के बराबर कर दोगे तो ठीक है। एक लाइन दो लाइन जितने कम जगह में लिखो, हाँ इसलिए लिखो, अगर तुम्हें स्वास्थ्य लाभ लेना है तो टाइम पर करोगे, तुम्हारी एकाग्रता होगी, तुम्हारी प्राथमिकता होगी, और वो समय जो होती है उस समय सेरोटोनिन नाम का एक रसायन चलता है, वो हम पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है, इसलिए वो समय सबसे उपयुक्त होता है। जो नहीं लिख सकते हो जाप करें, उदयपुर में भी चलता है, वो नमोकार बैंक से वहाँ भेजते होंगे, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाती हो। अरे मैं तो कह रहा क्यों भेजो, ये तो धरोहर है, ठीक है ना, हो गया, जैसे अच्छा लगे वैसे लिखो, व्यवस्थित लिखो, कम से कम जगह लगे और अच्छे से अच्छे अक्षर आए। हाँ यही तो विशेषता है, यही विशेषता है, कुछ पेड़ बीज रू होते हैं और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी पैदा होते हैं, समझ गए, और बहुत काम के होते हैं। आजकल मशरूम जानते ना, सबसे ज्यादा एनर्जी फूड है, उसका कोई बीज नहीं हो वही लिखना। देखो एक बात बता दूं, अच्छा याद दिलाया, सीक्वेंस को गुरु से पूछे बिना चेंज मत करना, तुम सामान्य क्रम में पढ़ो, नहीं तो महाराज ने कहा कैसे ही पढ़ दो, नहीं, गुरु से पूछ करके ही सीक्वेंस बदलना, ठीक है। इसी प्रकार जब आप रिंगटोन में नमोकार मंत्र रखते हैं तो या तो पूरा रिंगटोन सुन के आप फोन उठाओ, और अगर उतनी धीरज नहीं है तो नमो अरिहंतानम हो तो कम से कम नमो अरिहंतानम हो जाने दो, अरि पे गला मत घोर दो, ये मंत्र काबिल है, नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। रखने से फायदा क्या है कि तुम्हारी पहचान बनती है, दूसरे प्रेरणा पाते हैं, रखने का मैं निषेध नहीं करता, पर ठीक है ना, आ रहा है जितनी देर अच्छे से सुनो, देखो नंबर, देखो किसका मंत्र, सुनो मैसेज अच्छा है, लगभग लगभग नमोकार मंत्र का जो डायल टोन है
रिंगटोन है, 45 सेकेंड में पूरा हो जाता है। उतना टाइम है तुम्हारे पास, रखो, नहीं तो 10-5 सेकेंड में एक पद तो पूरा कर लो। हाँ, इसलिए बनाया सुंदरता की दृष्टि से और सफेद के आकार को डबल किया, बाकी पट्टियां एक से बराबर, जैसे 2-2 इंच की बाकी पट्टी तो सफेद की 4 इंच की, और उसमें केसरिया युक्त स्वस्तिक, ये एक झंडे का सिंबल बनाया। एक्चुअल में इस तरह के झंडे का निर्धारण 2500वां निर्वाण उत्सव में हुआ। पंचवर्णी ध्वजा की चर्चा आगम में पहले से भी आती है, लेकिन जैनियों का कोई एक मान्य ध्वज नहीं रहा। आज भी कई जगह केसरिया और कई जगह पंचरंगा मनाया जाता है। अब इस ध्वज में जैसे बीच में जैन धर्म का निशान बनाया गया है, तो स्टैंडर्ड के रूप में नहीं, जैन धर्म का निशान जैन ध्वज का चिन्ह नहीं है, जैन ध्वज में स्वस्तिक ही चिन्ह है, निशान, वो निशान अलग चीज हो गई। हाँ, बना देते हैं लोग, और उसमें भी एक हरा और नीला, इसमें चक्कर है, कुछ लोग प्रायः हरा रंग देते हैं और उसमें नीचे काला रंग देते हैं, कुछ लोग काला को खराब मान करके हरा और नीला देते हैं। एक्चुअल में होना चाहिए पंच परमेष्टी के 5 रंग है, नीला और काला। इसमें एक दो जगह उपाध्याय के लिए कहीं कहीं हरित कर दिया है, पर साधु के लिए तो काला ही किया है। इसका मतलब 45 सेकंड में पूरा होना चाहिए लगभग। कहाँ बताया शुभ, ये तो बताओ मेरे, हमसे तो कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं, मंदिर में काली मूर्तियां हैं, काला रंग अशुभ नहीं है, काला काम अशुभ है। चले अब इतना ही रखे, नहीं लेकिन एक बात समझो, कृष्ण वर्ण को जो गलत कहते हैं वह हमारे अगमों में नहीं, ये सब लोक चर्चा का विषय है। किसी शास्त्र में काला रंग को गलत नहीं है, पर साधु परमेष्ठी का रंग है, काली प्रतिमाएं क्यों विराजते हैं? कुछ जगह बहुत आग्रह, श्वेतांबर परंपरा में तो इतना आग्रह कि काला कपड़ा पहन लो तो मंदिर में नहीं घुसने दो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, कहीं निषेध नहीं। मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से काले रंग का निषेध कहीं नहीं है, सब करते हैं, सब करते हैं, पर क्यों? रंग तो रंग है, मूल वर्ग है, हमारे पार्श्वनाथ भगवान काले थे, अशुभ कहाँ से हो? किसने बोला? सामान्य रूप से लोक में मान्यता है, पर जैन धर्म के अनुसार रंग खराब नहीं। चलिए आज आप लोगों के पास जिनवानी स्तुति आ गई, दे दो। पीयूष है विषय शौख्य विरेचिना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती, यानी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिनी, संत्रस्त भजन को सुखदायिनी, तेरा करो स्तवन मैं अयम्ब देवी, तो शीघ्र बन सकूं निज आत्म सेवी, इशार दे अब कृपा कर दे जरा तू, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा, जो माता विलंब करना
मत मैं पुजारी आशीष दे मन सकूं बस निर्विका होके बिलीन जिसमें मन मोद पा संसारी जीव भव बारिधि तैर जा श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा यही शरण जीवन है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन अर्थात संरचना सोच सत्य संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया पारसनाथ अकाउंट नंबर 4809201100004 3 IFSC कोड BKID 000489 गुणायतन गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।